नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़े में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो बीते दिन तक बिहार में कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 425 पहुंच गया है। वहीं एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हॉटस्पॉट इलाके में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश जारी किया है। साथ ही लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद करवाने का आदेश दिया गया है। वहीं डोर टू डोर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को भी और तेज करने की बात कही गई है। आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आज के दिन ही मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 मई 1888 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मई दिन के नाम से भी जाना जाता है। खबरों की माने तो यह दिवस अमेरिका के मजदूर यूनानियों ने सड़कों पर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करने की मांग की थी, जिसके बाद अमेरिका में 8 घंटे काम करने का समय निश्चित कर दिया गया था। वहीं भारत में भी आज के समय में 8 घंटे काम करने के ही संबंधित नियम को लागू किया गया है। भारत में 1 मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाया शुरू हुआ था। वहीं उसके बाद हर साल 1 मई को यह दिवस मनाया जाता है। बिहारियों को वापस लाने के लिए 19 अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहारियों को वापस लाने की तैयारी जोर शोर से चालू है, जिसके तहत बिहार सरकार ने उन्हें सभी को वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए बिहारियों की आवाजाही को सुनिश्चित करवाने का आदेश जारी किया है। खबरों की माने तो बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी करते हुए इसकी जानकारी दे दी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बीते दिन नया आदेश जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि कुछ शर्तों के साथ बिहार के बाहर और अन्य राज्यों के लोगों को अपने घर पर वापस लौटाया जा रहा है। हालांकि केंद्र ने यह भी साफ कर दिया था कि वापस लौटने वाले सभी लोगों का केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी होगा। AES का सामना करने के लिए बिहार सरकार ने निकाली डॉक्टरों की बहाली। जहां एक तरफ बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं दूसरी तरफ AES ने अपने प्रभाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की बहाली करने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत राज्य में जल्द ही 1039 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन सभी पदों पर बहाली चिकित्सक, शिक्षक, डॉक्टर, टेक्नीशियन और नॉन टेक्निकल कर्मियों के पदों पर की जाएगी। दूसरे प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जारी किया गया आदेश। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूर, स्टूडेंट्स और पर्यटकों की आवाजाही का रास्ता खुल गया है, जिसके बाद सभी राज्य सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही आने वालों का खास ध्यान रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही बॉर्डर पर भी आइसोलेशन सेंटर बनाने की कोशिश करने की अपील की गई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सभी प्रखंड को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं लोगों की आवाजाही के लिए वाहन उपलब्ध करवाने के साथ साथ भोजन, आवासन, सुरक्षा, निगरानी, स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाओं के बारे में भी सुनिश्चित कराने की अपील की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया है कि बाहर से आ रहे प्रवासियों को लगभग 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने प्रवासियों को वापस आने के लिए केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील। केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रवासियों की वापसी एक बार फिर से सुनिश्चित हो गई है, जिसके बाद उनकी वापसी को लेकर सरकार हर तरह के कदम उठा रही है। वहीं बिहार के बाहर रह रहे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की अपील की है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी सरकार से आग्रह है कि इन सभी के लिए स्पेशल ट्रेन की उपलब्धता करवाई जाए, ताकि वापस लाने का काम जल्द से जल्द किया जा सके। अब बीते दिन केंद्र सरकार ने सभी प्रवासियों को उनके राज्य में वापस भेजने का ऐलान जारी किया था, के बाद सभी राज्य अपने प्रवासियों को बुलाने की तैयारी करने लगे हुए हैं। बफर जोन में लोगों की हुई जांच। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए मुंगेर के बफर जोन में लोगों की जांच हुई है। आपको बता दें, बफर जोन वह होते हैं जहां पर कोविड-19 के फैलने की आशंका काफी ज्यादा होती है, जिसमें पहले ही जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे के तहत जांच की मुहिम को तेज कर देती है। वहीं मुंगेर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों को भी अब टनल से होकर गुजरने का आदेश जारी किया गया है, जहां पर गाड़ियों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, बिहार के मुंगेर जिले में लगातार कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इस जिले में संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसे हॉटस्पॉट भी घोषित कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों से की खास अपील। बिहार के शिक्षा मंत्री ने 17 फरवरी से ही सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों से अपनी जिद को छोड़कर काम पर वापस लौटने का अनुरोध किया है। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री ने सभी नियोजित शिक्षकों से वापस लौटने का अनुरोध किया था, मगर सभी नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांग पर बने रहने का ऐलान जारी किया था, जिसके बाद अब नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों से अनुरोध करते हुए कहा है कि सभी शिक्षक अपने काम से वापस लौट जाएं और बचाव कार्य में मानवता की सेवा में अपना योगदान दें। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति सामान्य होने पर सरकार बातचीत भी करेगी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने शिक्षक संघ को पत्र भी जारी किया है, जिससे कि अब उन्होंने सकारात्मक जवाब आने की उम्मीद जताई है। बिहार में 17 कोविड-19 मरीजों ने पास की कोरोना की परीक्षा। जहां एक तरफ बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं दूसरी तरफ बिहार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बीते दिन 20 मरीजों के ठीक होने के बाद कल 17 नए कोविड-19
की मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद बिहार में कुल मिलाकर 82 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने देते हुए यह बताया है कि यह काफी राहत भरी खबर है। NMCH में बीते 17 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर वापस चले गए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में अब तक कुल मिलाकर 82 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों की बात करें तो यह आंकड़ा 400 को पार कर चुका है। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने जारी की अच्छी खबर। बिहार के सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने अच्छी खबर जारी करते हुए 35,000 टीचर्स को जल्द से जल्द वेतन देने का ऐलान जारी किया है। नवनियुक्त शिक्षकों को उनके योगदान की तारीख से अप्रैल महीने तक का वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार द्वारा निर्देश जारी करते हुए यह भी साफ कह दिया गया है कि अगर किसी शिक्षक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अगर गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति को कैंसिल कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि नवनियुक्त शिक्षकों के मई महीने का वेतन उनके प्रमाण पत्रों की आज के बाद ही दिया जाए। सीतामढ़ी में 4 पॉजिटिव मिले मरीज। बिहार में कोरोना के नए प्रभावित जिले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में सीतामढ़ी उत्तर बिहार के कोरोना से संक्रमित के रूप में धीरे धीरे करके उभर रहा है। बीते दिन यहां पर कोविड 19 से प्रभावित एक साथ 4 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह यहां पर अब तक कुल मिलाकर 6 लोग कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों की माने तो सीतामढ़ी का यह मामला बीते 3 दिन के अंदर ही आया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बीते एक दिन में ट्वीट अपडेट करके दी है। वहीं खबरों की माने तो ये सभी पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार के रहने वाले हैं और कुछ दिनों पहले ही मुंबई से वापस लौटे थे। कोविड 19 से निपटने के लिए 6 अधिकारियों को किया गया प्रतिनियुक्त। बिहार में कोविड 19 लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 6 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। खबरों की माने तो इन सभी की तैनाती स्वास्थ्य विभाग में की गई है। सरकार ने जिन बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की है उसमें ओम प्रकाश महतो, सुनील कुमार झा, भानु प्रकाश, नजर हुसैन, अजीत कुमार सिंह और सुधांशु कुमार चौबे का नाम शामिल है। आपको बता दें, बिहार में लगातार कोविड 19 के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया था। IGIMS की नर्स सफाईकर्मी निकली कोरोना प्रभावित। IGIMS की नर्स और सफाईकर्मी दोनों ही कोविड 19 से प्रभावित निकली हैं। खबरों की माने तो नर्स और सफाईकर्मी दोनों ही किसी मरीज के संपर्क में आने से प्रभावित हुई हैं। नर्स बेली रोड के राजा बाजार इलाके की रहने वाली है, वहीं सफाईकर्मी नौबतपुर में रहने वाली है। वहीं IGIMS का एक मरीज भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जो पालीगंज का रहने वाला है। अब मरीज के कोरोना संक्रमित और भी सफाईकर्मी के कोरोना प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। रेलवे अस्पताल कोविड 19 के मुकाबले के लिए है तैयार। कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे अस्पताल भी अब मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है, जिसमें मामले बढ़ते रहे हैं, जिसमें कि अब जल्द ही रेलवे अस्पताल के उपयोग में लिया जा सकता है। खबरों की माने तो पूर्व मध्य दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय समस्तीपुर और गढ़हरा सहित 4 रेलवे अस्पताल में कोविड 19 के मरीजों के इलाज एवं बचाव हेतु विशेष तैयारी कर ली गई है। इतना ही नहीं, रेलवे चिकित्सकों द्वारा 75,000 से अधिक मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है। आपको बता दें, रेलवे द्वारा तैयार किए गए अस्पतालों में 62 वेंटिलेटर, 256 ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर, 196 इंफ्रारेड थर्मामीटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि अब वहां आने वाले सभी मरीजों का खास ध्यान रखा जाएगा, साथ ही उनकी पूरी देखरेख भी की जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी में बीते दिन से शुरू हुई दाखिले की प्रक्रिया। पटना यूनिवर्सिटी के सत्र 2020 और 21 में एडमिशन प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी का नया सत्र कोविड 19 के कारण लगभग 1.5 माह की देरी से 24 अगस्त से शुरू होने की संभावना जताई गई है। इससे पहले एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी। पटना यूनिवर्सिटी में चलाए जा रहे विभिन्न अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए 30 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 20 जून तक कर सकेंगे। वहीं एंट्रेंस डेट और इंटरव्यू जुलाई महीने में आयोजित करवाया जाएगा। गरीबों की बस्तियों में बिहार सरकार ने सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की तेज। बिहार सरकार ने कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हॉटस्पॉट एरिया से शहर में काम करने वाले लोगों के घर घर जाकर अधिक से अधिक जांच करवाने की मुहिम को तेज किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 2 टीम को लगाया है। खाजपुरा में एक सफाईकर्मी के कोविड 19 पॉजिटिव होने के बाद एयरपोर्ट के 4 अन्य सफाईकर्मी पॉजिटिव हो गए थे। इसमें सफाई करने वाली एजेंसी का सुपरवाइजर भी शामिल था। ऐसे मोहल्ले में बड़े घरों और बड़े प्रतिष्ठानों में संक्रमण की चेन बनने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम का गठन किया गया है। वहीं सैनिटरी सुपरवाइजर और दूसरा आशा आंगनबाड़ी को भी शामिल किया गया है, ताकि बस्तियों में संक्रमण की चेन को बनने से रोका जा सके। STET एग्जाम की आंसर की वेबसाइट पर होगी अपलोड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की दोबारा ली गई परीक्षा के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सभी विषयों के सभी शीटों की आंसर की को वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि STET परीक्षा की आंसर की को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट biharboardonline.com पर अपलोड किया जा सकेगा, जहां से सभी अभ्यर्थी 4 मई तक आंसर की को देख सकते हैं। वहीं किसी भी तरीके की गलती के बारे में 4 मई तक ही ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।
लालू यादव पर बढ़ रही कोरोना की आशंका हुई खत्म। बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद अब जाकर राजद परिवार को राहत की सांस मिली है। दरअसल वार्ड में भर्ती लालू यादव के डॉक्टर उमेश प्रसाद समेत उनके यूनिट के सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट आ गई है। इन सभी को कोविड-19 से प्रभावित होने की खबर नहीं है, जिससे कि अब राजद सुप्रीमो में कोरोना बढ़ने की आशंका बिल्कुल भी खत्म हो गई है। राजद ने जिला प्रवक्ताओं की नई सूची की जारी। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जिला प्रवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में विभिन्न जिलों में प्रवक्ताओं का चयन किया गया है, जिसके तहत राज्य के 48 नेताओं को जिला में प्रवक्ता बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन ने इन सभी प्रवक्ताओं की सूची जारी की है। वहीं राजद द्वारा जारी किए गए इस सूची को सभी अधिकारियों के पास भी भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासियों को वापस बुलाने के लिए बुलाई हाई लेवल मीटिंग। केंद्र सरकार के आदेश के बाद जल्द ही बिहार में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। वहीं उसे कोविड-19 के बढ़ने की आशंका भी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित की गई थी, जहां पर उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में बुलाए जाने वाले लोगों की पूरी प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। वहीं सरकार किस तरीके से इस पूरे आयोजन को क्रियान्वित करेगी, इस पर अंतिम मुहर आज लगाई जाएगी। डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में सामने आए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में कोविड-19 के बीच आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीति जोर शोर से हो रही है, जिसके तहत सूबे में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के बीच में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी डीएलएड अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों की लंबित बहाली को अविलंब पूर्ण करें। आपको बता दें, राज्य सरकार ने 1,00,000 पंचायत शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर दिया बड़ा बयान। हम प्रमुख जीतन राम मांझी आए दिन तेजस्वी यादव पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि जब विपक्ष के नेता ही नहीं है तो हम लोग के बोलने का सरकार पर क्या असर होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि जब भी बिहार में कोई परेशानी उत्पन्न होती है तब तेजस्वी यहां पर मौजूद नहीं होते। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है, मुझे कहने में संकोच तो हो ही रहा है क्योंकि हम लोग महागठबंधन में शामिल है, लेकिन तेजस्वी जी का यही रवैया शुरू से देखने को मिला है। वहीं जीतन राम मांझी के इस बयान से महागठबंधन दल में फूट साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए पप्पू यादव ने भेजी 30 बसें। कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए जा प्रमुख पप्पू यादव ने बीते दिन बिहार से रवाना कर कोटा के लिए 30 बस भेजी है। वहीं कोटा के कलेक्टर राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव से बात हुई है, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम 250 बसें भेजी जाएं, तब जाकर के छात्रों को भेजा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आग्रह से ही बस को सैनिटाइज करवा दिया जाए, छात्रों को सुरक्षित यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित करवाया जाए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर बिहार सरकार के पास धन नहीं है तो मैं तन मन धन से हर बिहारी को बिहार लाने को प्रतिबद्ध हूँ। लालू यादव ने नीतीश कुमार को एक बार फिर लिया आड़े हाथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कबीर के दोहे के जरिए समझाते हुए यह कहा है कि आज आपका समय है, कल जनता आपको जवाब देगी। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि कबीर के दोहे में हमारे मजदूर भाइयों की भावना और बिहार सरकार के लिए संदेश छिपा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। बिहार सरकार बिहार के बेटे बेटियों के साथ जो रवैया कर रही है, एक दिन इसका जवाब उन्हें जनता देगी। आपको बता दें, इस साल ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार और विपक्षी दलों के बीच राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। ऋषि कपूर के दुनिया को अलविदा कहने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्त की अपनी संवेदना। बीते दिन ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। इरफान खान के बाद ऋषि कपूर के इस तरीके से दुनिया को अलविदा कहने पर पूरे बॉलीवुड का माहौल अशांत है। वहीं ऋषि कपूर के जाने के बाद अलग अलग शोक संवेदनाएं देखने को मिल रही है। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने भी ऋषि कपूर को याद करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए यह कहा कि फिल्म जगत को अपूर्णीय क्षति और भारतीय सिनेमा के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है। ईश्वर उन्हें शांति दे और उनके परिजनों को बल प्रदान करे। आपको बता दें, बीते दिन ऋषि कपूर मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है परदेसी कुमार, कुंदन चंचल, दया शर्मा, भोला प्रसाद, उमेश कुमार, राजीव रंजन, मुकेश कुमार, सोनू वर्मा, अर्जुन कुमार, सुबोध प्रसाद, प्रदीप कुमार, सुभाष कुमार, प्रीति देवी, आर्यन राज, संजय गुप्ता, नौशाद रहमानी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए क्या आपको लगता है कि 4 मई को लॉकडाउन हट जाएगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।